मैं उनका और मेरे ब्रदर ही जायरे शेख मोहम्मद बिन जायद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे वेद हमें सिखाते हैं कि समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सहचित्रम एषाम, अर्थात हमारे विचार एकजुट हो, हमारे मन एक दूसरे से जुड़े, हमारे संकल्प एकजुट हो। मानवीय एकता का यह आह्वान ही हमारे आध्यात्म का मूल भाव रहा है। हमारे मंदिर इन शिक्षाओं के, इन संकल्पों के केंद्र रहे हैं। इन मंदिरों में हम एक स्वर में ये घोष करते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मंदिरों में वेद की जिन ऋचाओं का पाठ होता है वो हमें सिखाती हैं वसुधैव कुटुम्बकम्, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इस विचार को लेकर आज भारत विश्व शांति के अपने मिशन के लिए प्रयास कर रहा है। भारत की प्रेसिडेंसी में इस बार G20 देशों ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के संकल्प को और मजबूत बनाया है, आगे बढ़ाया है। हमारे ये प्रयास वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसे अभियानों को दिशा दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेकर भारत वन अर्थ वन हेल्थ इस मिशन के लिए भी काम कर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी आस्था हमें विश्व कल्याण के इन संकल्पों का हौसला देती है। भारत इस दिशा में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि अबुधाबी के मंदिर की मानवीय प्रेरणा हमारे इन संकल्पों को ऊर्जा देगी, उन्हें साकार करेगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं भव्य दिव्य विशाल मंदिर को पूरी मानवता को समर्पित करता हूं। पूज्य महंत स्वामी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। पूज्य प्रमुख स्वामी का पुण्य स्मरण करते हुए मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और सभी हरिभक्तों को जय श्री स्वामीनारायण।